दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो इन दिनों बारिश के समय में देखिए मैंने कितने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स रेडी कर लिए हैं। अगर खोजो तो अपने ग्राउंड में, तो वहीं से हमें बहुत सारे खजाने मिल जाते हैं। तो देखिए मैंने बहुत सारे प्लांट्स किस तरह से रेडी कर लिए हैं, जिनमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं मैंने किस तरह से इनको रेडी किया है और ग्राउंड में मैंने कहाँ कहाँ से इनको खोज कर निकाला है। तो ग्राउंड में ही बहुत सारे प्लांट्स आप लोगों को भी मिल जाएंगे मेरी तरह। देखिए इतने सारे पर्सलिन के प्लांट्स मैंने अभी कलेक्ट किया है और पूरे ग्राउंड में मेरे यहाँ पर पर्सलिन के छोटे छोटे प्लांट्स रेडी हो रहे हैं। अगर मैं इनको कलेक्ट करूँ तो बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे कि इस गमले में देखिए कितने सारे पर्सलिन के प्लांट्स रेडी हो रहे हैं और इसीलिए मैंने सोचा इनको उखाड़ कर मैं इनके लिए नया प्लांटर रेडी कर लूँ। तो दोस्तों अगर रूट डेवलप हुए प्लांट अगर मिल जाए तब तो बात ही कुछ और है। ऐसे अगर हम प्लांट की कलेक्शन कर ले तो उनमें बहुत जल्दी फ्लावर्स भी आ जाते हैं। वैसे तो हम इनकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, मगर कटिंग से अगर ग्रो करेंगे तो इनको रूट बनने में और फ्लावरिंग स्टेज तक आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैंने देखिए जहाँ जहाँ से मुझे पर्सलिन के बने बनाए प्लांट्स मिले मैंने इनको कितने सारे कलेक्शन कर लिया है। पूरे ग्राउंड में मेरे भरे हुए हैं। पहले मैंने अपने ग्राउंड में बहुत सारे पर्सलिन के प्लांट्स लगाए थे तो उनके सीड्स नीचे जो गिर जाते हैं वहीं से ये बने बनाए प्लांट्स मुझे मिल गए। और यहाँ पर भी देखिए कॉस्मोस जो पूरे साल गर्मियों में फ्लावर करता है येलो एंड ऑरेंज वाले, यहाँ पे भी बहुत सारे बेबी प्लांट्स रेडी होते हुए मुझे मिले। और जितने मुझे चाहिए वहाँ यहाँ से मैं उतनी उनकी कलेक्शन कर लूँगी, फिर इनको न्यूली मैं ग्रो करूँगी। तो देखिए कितने सारे प्लांट्स, वो भी हेल्दी हेल्दी। अगर हम सीड डालेंगे तो उनको बड़े होने में 2-3 वीक्स लग जाएगा। तो अगर ऐसे ही अगर हमें नीचे से बने बनाए प्लांट्स मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा, है ना दोस्तों। और देखिए यहाँ पर कितने सारे पर्सलिन के प्लांट्स जो जिनकी अच्छे से रूट डेवलप हो चुकी है, वहाँ से मैं कुछ को मैं निकाल रही हूँ ताकि मैं अपने इनको प्लांटर्स में लगा सकूँ। तो कलेक्शन हो गई है मेरे इन सब की। तो चलिए इनको अभी मैं ग्रो भी कर लेती हूँ। तो अभी तो मैं बस इनको एक वेस्ट प्रोडक्ट में ही लगाऊंगी। ये सारे मेरे कलर के डब्बे थे जो जिनको मैं फिर से दोबारा यूज़ कर रही हूँ। तो इनमें अभी मैं ग्रो कर लेती हूँ। तो बाद में इन्हीं से मैं फिर से अगर मेरा मन गया तो इन्हीं प्लांट से मैं ढेरों सारी कटिंग लगा कर पूरे ग्राउंड में भर दूंगी। तो फिलहाल अभी जो रूट के साथ मैंने निकाला है इनको मैं फर्स्ट ग्रो कर लेती हूँ, क्योंकि इनको फ्रेश होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी ये फ्लावरिंग स्टेज तक भी आ जाएंगे। तो देखिए आप लोग भी ऐसे ही करें, अगर आप लोगों को कहीं से ऐसे मिल जाते हैं तो उनको ना फेंके। मैंने देखा है बहुत सारे दोस्त अगर इस तरह के प्लांट उनको ग्राउंड में मिलते हैं तो उखाड़ के फेंक देते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने इन वेस्ट प्रोडक्ट में अभी इनको ग्रो कर दिया है। जब मन चाहेगा फिर से इनकी कटिंग्स मैं ग्रो कर लूँगी। और इस दुरांटा प्लांट के नीचे देखिए मैंने देखे बहुत सारे समर के फ्लावरिंग प्लांट सेल्फ सीडलिंग हो रहे हैं। ये है गर्मियों में फूल देने वाला ये मेलापोडियम के बहुत सुंदर प्लांट्स। मैंने यहाँ पर पहले बीच में मेलापोडियम के फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए थे, उन्हीं के सीड नीचे गिरे तो देखिए पूरा ग्राउंड मेरे इन छोटे छोटे फ्लावर प्लांट से भरा हुआ है। तो जितने चाहिए मैं यहाँ से इनको भी उखाड़ लूँगी। अभी ये बहुत छोटे हैं मगर इनकी रूट्स बहुत ही अच्छी डेवलप हो गई है। ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ना दोस्तों, छोटे से ही प्लांट से ही उनमें फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ एक को तो मैंने यहाँ पर न्यूली ग्रो कर दिया है। देखिए इस तरह के छोटे छोटे सनफ्लावर की तरह फ्लावर्स आते हैं। जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो पूरा ये प्लांट फ्लावर्स से कवर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने ग्राउंड से ही फ्री में मिले हुए प्लांट्स की कलेक्शन करती रहती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा मैंने अपने ही विंटर फ्लावरिंग प्लांट से कुछ कटिंग मैंने लगाई थी। तो ये रही वो ट्रे।
तो बहुत सारे प्लांट्स बन गए हैं, उनकी रूट्स भी अच्छी आ गई है। तो इनमें से मैं कुछ सिलेक्टेड जो प्लांट है इनको मैं रिपोर्ट भी कर दूंगी, बाकी मैं नहीं करूंगी क्योंकि अभी इन प्लांट्स में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं रहा। तो ये रहे देखिए, जो मैंने मैरीगोल्ड की कटिंग लगाई थी उनको मैंने छोटे प्लांटर में रिपोर्ट भी कर दिया था, और इनमें अब देखिए कितने हेल्दी हेल्दी बर्ड्स भी बन चुके हैं। सभी प्लांट जितने भी आप लोग को दिख रहे हैं ये सारे मेरे पुराने वाले जो मैरीगोल्ड के फ्लावरिंग प्लांट हैं उन्हीं से मैंने कटिंग ग्रो की थी और आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो अब मैं सोच रही हूँ उनको मैं अभी रिपोर्ट कर देती हूँ और इनको थोड़ा बड़ा प्लांटर दे देती हूँ, क्योंकि अगर छोटे से प्लांटर में ऐसे ही पड़े रहेंगे तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो देखिए अभी मैंने इनको न्यू प्लांटर दे दिया है, अब कुछ ही दिनों में ये जो बड्स बने हुए हैं इनमें भी बहुत अच्छे फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और मैं ये गर्मियों में इनके फ्लावर्स को फुल इंजॉय करूँगी। तो देखिए ये सारे मेरे वो सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनके ऊपर मैंने बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया है, और ये सारे जो मुझे अपने आप अपने ग्राउंड में मिले और कुछ मैंने अपने ही फ्लावरिंग प्लांट से कटिंग ग्रो किए थे। तो चलिए देखते हैं, पर्सलिन के जो मैंने ग्राउंड से निकाले हुए प्लांट्स मैंने ग्रो किए थे इन वेस्ट प्रोडक्ट में, देखिए कितने बड़े हो गए हैं और इनमें अब फ्लावर्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत में तो बर्ड्स भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर कुछ दिनों के बाद मैं इन्हीं से कटिंग ले लेकर और भी न्यू प्लांट्स रेडी करूँगी, है ना दोस्तों। देखिए जब इनमें फ्लावर्स आ जाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, कितना ईजी है ना ये मेथड। अगर हम कटिंग लगाएं तो थोड़ा टाइम लगता है। और ये रहे वो कॉस्मस के प्लांट जिनको मैंने अपने ज़मीन से ही निकाला था। तो कुछ सिलेक्टेड प्लांट को मैंने अभी प्लास्टिक बैग में रिपोर्ट कर दिया है और इनको मैंने पिंचिंग भी कर दी है। और ये रहे मिराबिलिस के, इनकी भी सीड्स नीचे गिरे होंगे मेरे ग्राउंड में, वहाँ से मैंने खोज के निकाला और इनको छोटे छोटे प्लांटर में रिपोर्ट कर दिया। जब मेरे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट के पॉट्स खाली हो जाएंगे तब मैं उनको उनमें शिफ्ट कर दूंगी। और ये कुछ मेलापोडियम के प्लांट्स हैं, यहाँ पर टोरिनिया के प्लांट जो आप लोग को दिख रहे हैं इनको मैंने परचेज नहीं किया है, बल्कि ज़मीन में ही मुझे इनके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स दिखे तो मैंने इनको छोटा प्लांटर अभी दे रखा है, तो बाद में फिर बिग प्लांटर में रिपोर्ट कर देंगे। कुछ एक जो मैंने पहले ये मेलापोडियम के फ्लावरिंग प्लांट को यहाँ पे लगाया था इन ग्रो बैग में, इनके भी देखिए कितने सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स आ गए हैं। जैसे ही इनको हम बिग प्लांटर देंगे तब तो बहुत सुंदर से इनमें और भी फ्लावर्स बनते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ पर कुछ मैंने कटिंग पेंटास के भी लगाए थे तो सभी सक्सेस हो गए थे, और इनमें देखिए बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे बर्ड्स भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, बिना नर्सरी विजिट किए ही मैंने अपने ही ग्राउंड से ही मैंने कितने सारे प्लांट भी खोज निकाले हैं और अपने ही प्लांट से उनकी कटिंग ले लेकर कितने सारे न्यू प्लांट्स बना लिए हैं। वन वीक से कंटिन्यूस बारिश होने के कारण और इनको सनलाइट ना मिलने के कारण जो ये बर्ड्स बन गए हैं इन मैरीगोल्ड में वो अभी ब्लूम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनको ब्लूम होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर यहाँ पर बारिश नहीं होती तो अब तक मेरे ये सारे प्लांट्स में फ्लावर्स ही फ्लावर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते। तो ये भी जो कॉस्मोस के दो प्लांट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इनको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, तो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था। देखिए अब इतने बड़े हो गए हैं कि अभी कुछ दिनों में इनमें बर्ड्स भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इन दिनों बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण मैंने अपने ग्राउंड में कोई भी काम नहीं किया, बल्कि जो जो मैंने ग्राउंड से ही निकाले हुए छोटे छोटे प्लांट थे उन्हीं को मैंने अभी छोटे गमलों में रिपोर्ट कर दिया है। तो देखते ही देखते मैंने कितने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स बना लिए हैं इन दिनों। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बिना नर्सरी विजिट किए ही अपने गार्डन से बहुत सारे हम प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।